Okay, uh, the next question is define a procedure square of procedure khud likhne ko kaha ja rahe, Define a procedure square that takes one number as its input and outputs the square of that number right? Again, uh, as I've told you whenever you asked to do something, uh, you should read the statement very carefully so that you understand what is being asked from you, right? सो वी नीड टू डिफ़ाइन अ प्रोसीजर हमें सब हमें बताया गया कि आप प्रोसीजर का नाम अगर स्क्वायर रख लें तो मुनासब होगा स्क्वायर के नाम से आप एक प्रोसीजर बनाइए दैट टेक्स वन नंबर एज इनपुट तो बताया गया कि उसकी इनपुट एक नंबर होगी राइट एंड आउटपुट्स द स्क्वायर ऑफ़ दैट नंबर और उसको उस नंबर के साथ करना क्या है कि उसका स्क्वायर करना है और उस स्क्वायर को आउटपुट कर देना है राइट right? मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल भी दी गई है प्रिंट स्क्वायर फाइव कि अगर हम यूं करें स्क्वायर फाइव या प्रिंट स्क्वायर फाइव तो हमें ट्वेंटी फाइव मिलना चाहिए राइट right? सो so, आप इस वीडियो को पॉज करके आप ये प्रोसीजर खुद लिख के ट्राई करने की कोशिश कीजिए एंड देन मूव ऑन टू सी दैट वैदर यू हैव बीन एबल टू डू इट करेक्टली या नॉट राइट सो इसको करने के लिए बहुत आसान सा काम है जो हमें करना होगा हम क्या करते हैं डेफ बिकॉज टू डिफाइन एनी प्रोसीजर वी फर्स्ट स्टार्ट विद की वर्ड डेफ हम इसका नाम रख लेते हैं स्क्वेर एज इज इट इज़ अ वेरी सुटेबल नेम और इसने एक नंबर एज इनपुट लेना है हम उसका नाम एन रख लेते हैं अ नंबर राइट

एन आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर हो जाता है सो वी सिंपली राइट रिटर्न एन स्टार एन सो एन स्टार एन करेंगे तो ये उसका स्क्वायर करेगा और रिटर्न कर देगा अब अगर हम इस फंक्शन को स्क्वाइव करें इट गिव्स अस ट्वेंटी फाइव वी जस्ट आस्क्ड टू डू इट लाइक अगर हम यूं भी कर लें इसको प्रिंट भी कर लें Right, so it will give us the same thing, right? Twenty-five, right? So it was very simple procedure to write that we defined a procedure named square. It was taking one input and it was doing the square and returning that as output, right? showed us a tweak agar aapko bataun, like what do you think will happen now? Apne square call kia? राइट right? आपको पता है इस फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है नाम लिखते हैं और उसके अंदर इनपुट्स दे देते हैं अब आपने एक तो स्क्वायर ये कॉल किया फाइव ये हमें क्या रिटर्न कर देगा ट्वेंटी फाइव वो ट्वेंटी फाइव इनपुट बन जाएगी इस आउटर स्क्वायर के लिए तो इस आउटर स्क्वायर को ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर कितना होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव राइट सो यू कैन डू इट लाइक दिस आप प्रोसीजर के अंदर भी एक प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं सो जो सबसे अंदर वाला प्रोसीजर होगा वो सबसे पहले कॉल होगा होगा फिर उससे बाहर वाला फिर उससे बाहर वाला यानी आप इस लेवल को मजीद बढ़ा भी सकते हैं आप इसको एक और लेवल आगे और जितने लेवल आगे चाहे ले जा सकते हैं तो अब 625 का भी स्क्वायर होगा दैट इज राइट सो एनी वे वी विल डू दिस बिट मोर एज वी मूव ऑन इफ वी नीड टू डोंट फील इंटिटेटेड बाईट ओके okay, अब हमें एक और छोटा सा काम करने को कहा गया है दैट इज डिफाइन अ प्रोसीजर सम थ्री दैट टेक्स थ्री इनपुट्स एंड आउटपुट्स द सम ऑफ थ्री इनपुट नंबर्स तो अब हमें एक प्रोसीजर डिफाइन करने को कहा गया है और उसका नाम हम ये रख सकते हैं सम थ्री राइट और उसे करना क्या होगा लाइक like, जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि उसको हम तीन नंबर देंगे और वो उनका सम हमें रिटर्न कर देगा इसको भी आप पॉज करके यहाँ रुकिए और इस प्रोसीजर को खुद से लिखने की कोशिश कीजिए और चलाने की कोशिश कीजिए एंड देन सी वर यू इट करेक्टली नॉट सो ये करना भी बहुत आसान है हम डेफ सम थ्री के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं हम इसको एन वन एन टू एन थ्री तीन नंबर से देते हैं राइट right? और इसको रिटर्न क्या करना है एन वन प्लस एन टू plus and 3 that's pretty simple isn't it so abhagaram you will again if you feel confused that we sometimes write print and sometimes don't don't feel confused about it uh, so we for example can give any numbers 2 3 4 so it gives us 9 it has added all these numbers right and then given us the output Aap Three variables defined. Four. Num two is equal to five, and num three is given ten. And now, if you call, for example, print, so you instead of giving the values directly, you give these variables here. Num two, num three. That's also fine. It will add all these numbers and give you the result. ओके सम ऑफ यू माइट ऑल्सो लाइक डूइंग दिस आपको हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा करना बेहतर लगे कि वह बजाय इसके कि डायरेक्टली इसको रिटर्न करें वो यहाँ एक सम के नाम से एक और वेरिएबल बना लें और रिटर्न सम कर दें दैट्स ऑल्सो बट इट्स अ वेरी सिम्पल थिंग यू कैन डू इट इन लाइन सो वाई नॉट एंड ना इफ़ यू डू इट लाइक दिस सॉरी इट हैज री स्टार्ट जब ये शैल री स्टार्ट होता है तो पिछले वेरिएबल्स उसके अंदर से बिट जाते हैं So instead we call it like this, right? That will also work fine. <coughs> uh, then another quiz. It's just that practice that how we define the procedures and use the procedures. Define a procedure base that takes two strings as its input. So procedure define karna hai a base kinam that takes two strings as its inputs. Joke though inputs Lega as और दोनों इनपुट्स स्ट्रिंग होंगी एंड आउटपुट स्ट्रिंग दैट इज फर्स्ट इनपुट फॉलोड बाय द टू रेपिटेशन ऑफ द सेकेंड इनपुट फॉलोड बाय द फर्स्ट इनपुट तो उसकी उसकी इनपुट तो होगी दो स्ट्रिंग आउटपुट क्या होगी पहली स्ट्रिंग फिर दूसरी स्ट्रिंग दो बार राइट लाइक द फर्स्ट इनपुट फॉलोड बाय द टू रेपिटेशन ऑफ द सेकेंड इनपुट तो पहली स्ट्रिंग फिर दूसरी स्ट्रिंग दो बार फॉलोड बाय द फर्स्ट इनपुट और फिर पहली स्ट्रिंग एक बार यानी अगर आप ये प्रोसीजर यू डिफाइन करेंगे अबेज और इसको दो इनपुट्स देंगे ए बी तो इसका जवाब आएगा ए बी बी ए अगर आप इसको ये इनपुट देंगे डॉग कैट इट विल गिव अस डॉग कैट टॉइस एंड देन अगेन डॉग राइट आई यू गॉट द क्वेश्चन नाउ ट्राई टू डिफाइन दिस प्रोसीजर यूर सेबल टू डू इट करेक्टली और नॉट राइट So we define प्रोसीजर अ बेस राइट एंड वी गिव एट टू इनपुट स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू एंड देन वी रिटर्न वी कैन डू इट वेरी सिंपली एस वन प्लस एस टू प्लस एस टू प्लस एस वन हमें यही कहा गया था कि वह रिटर्न करेगा पहली स्ट्रिंग फिर दूसरी स्ट्रिंग दो बार और फिर पहली स्ट्रिंग राइट सो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू एंड लेट्स जस्ट चेक इट आउट इफ वी हैव बिन एबल टू डू इट करेक्टली बेस राइट एंड वी गिव विद स्ट्रिंग हम दोनों स्ट्रिंग्स के साथ इसको चेक करके देख लेते हैं कि हम पहले ए बी के साथ चेक करते हैं तो वी रिसीव द राइट थिंग दैट इज ए बी बी ए एंड सिमिलरली हम इसको कैट और डॉक के साथ भी चेक कर लेते हैं कि क्या कैट और डॉक के केस के में भी ये कैट डॉक डॉक कैट right so yes sorry i just made it dank so it is cat dog dog cat right belly string belly bar dusri string do bar or per pehli string ek bar right i hope you got it right but I if you make mistakes that's all right because this is how the learning grows um, it's, it takes time to grasp the concept the idea and then uh, to get conversant with the tools and set things up but more you do it uh, easier it becomes for you to do so करते रहेंगे तो सीखते रहेंगे अगर नहीं करेंगे तो थ्योरेटिकली किसी भी कांसेप्ट से हमें कोई चीज प्रैक्टिकली हमारे अंदर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती uh, so uh, last example uh, of procedures for the moment that is define a procedure find second तो so, एक प्रोसीजर हमें डिफाइन करना है फाइंड सेकंड के नाम से That takes two strings as its inputs. तो इसकी inputs क्या होंगी दो strings, right? और वो strings क्या होंगी a search string and a target string, right? एक string जिसमें हमें तलाश करना होगा किसी चीज़ को और एक string जिसको तलाश करना होगा हमें, right? It should output a number located at the second occurrence of the target string within the search string, right? तो जो स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग में हमें तलाश करना है राइट उस स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग हमें तलाश करनी है उसकी सेकंड अकरेंस का नंबर वो हमें रिटर्न करे मिसाल के तौर पे, डेंटन एक बड़ा फेमस फ्रेंच लॉयर था उससे एक कॉल मंसूब है राइट इन रेड इसल डिफरेंटली लेकिन इसका मतलब ये है किसटी अडासिटी एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है ओडेस जो लफ्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है राइट uh, अगर हम हमारे पास मिसाल के तौर पर यह स्ट्रिंग है और हम प्रिंट करते हैं फाइंड सेकेंड राइट जो स्ट्रिंग जिसमें हमें तलाश करनी है कोई चीज़ उसका नाम डेंटन है और जो चीज़ हमें तलाश करनी है वो फर्ज करें ओडेस है जिसे अंग्रेजी में ओडासीटी कहते हैं राइट तो अब ऑडैस जो है वो आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है तो इसकी तीन अकरेंसेस हैं और हमारा मकसद ये है कि हम पहली नहीं बल्कि दूसरी अकरेंस जहाँ शुरू हो रही है वो इंडेक्स बता सकें लाइक ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ इंडेक्स पे पहला ऑडैस हमें मिल जाता है लेकिन हमें ये वाला ऑडैस नहीं चाहिए बल्कि दूसरा ओडैस चाहिए राइट सो so, हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिसको हम जिस स्ट्रिंग में तलाश करना है वो दें और जो स्ट्रिंग तलाश करनी है वो दें और वो हमें उस सर्च की जाने वाली स्ट्रिंग की सेकेंड अकरेंस बताए ना कि पहली अकरेंस राइट अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये काम हम पहले कर चुके हैं कि हम एक स्ट्रिंग के अंदर से फाइंड मेथड के जरिए किसी चीज को तलाश करते हैं और वो तलाश करने के बाद हम हमारे पास उसकी लोकेशन आ जाती है और अगर हमें दोबारा वही चीज तलाश करनी हो तो हम उस लोकेशन से थोड़ा सा ऐड अप करके फिर उससे आगे अगली एकरेंस को भी तलाश कर सकते हैं तो so, हम ये मैथड डिफाइन uh, करने की कोशिश करते हैं आप पहले पॉज करके ये खुद कोशिश कीजिए एंड देन सी बन एबल टू डू इट करेक्टली नॉट सो हमें एक प्रोसीजर डिफाइन करना है डेफ फाइंड सेकेंड राइट, right? सो so, ये दो स्ट्रिंग्स लेगा एक सर्च स्ट्रिंग जिसमें हमें तलाश करना है और एक टारगेट स्ट्रिंग जिसको हमें तलाश करना है राइट ओके सो पहले हम क्या करेंगे कि सर्च स्ट्रिंग में तलाश करेंगे टारगेट स्ट्रिंग को अब ये टारगेट स्ट्रिंग हमें जहां मिलेगी उसकी लोकेशन हम यहां स्टोर कर लेंगे इस वेरिएबल फर्स्ट के अंदर राइट। right? उसके बाद हम सेकेंड अकरेंस तलाश करेंगे सेकेंड अकरेंस कैसे तलाश करेंगे सर्च डॉट फाइंड टारगेट और इस केस में हम फर्स्ट प्लस वन स्पेसिफाई करेंगे कि जब जहां पहले हमें यह स्ट्रिंग मिली थी उससे एक करेक्टर आगे जाके इसे तलाश करना शुरू किया जाए ताकि पहला पहली अकरेंस हमें दोबारा न मिले बल्कि पहली के बाद वाली कोई अकरेंस अगर है तो वो हमें मिले राइट सो एंड देन वी कैन रिटर्न सेकेंड फिर हम इसे रिटर्न कर देते हैं राइट यू गॉट द आइडिया हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग में टारगेट स्ट्रिंग को तलाश करते हैं जहां पे हमें मिलती है उस लोकेशन को उस इंडेक्स को हम फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं फिर फर्स्ट वेरिएबल जहां सॉरी फर्स्ट लोकेशन जहां हमें वो मिला था उससे एक आगे मजीद दोबारा उसी स्ट्रिंग को तलाश करते हैं टारगेट स्ट्रिंग को और वो जहाँ पे हमें सेकेंड अक्रेंस मिलती है उसको हम एक वेरिएबल सेकेंड में स्टोर कर लेते हैं फिर सेकेंड को रिटर्न कर देते हैं राइट सो लेट्स स्ट्राइट आउट इफ दिस वर्कस फाइन हमें जो एग्जाम्पल स्ट्रिंग दी गई है हम उसी स्ट्रिंग को यहां पर कॉपी करके तो ये काम करके देख लेते हैं राइट सो वी हैव द स्ट्रिंग डेंटन एंड वी प्रिंट फाइंड सेकेंड डेंटन डेंटन में और डैश तलाश करें और इसकी सेकेंड एकरेंस को तलाश करें एंड इट डिटर्न एस ट्वेंटी फाइव सो इसने ये पहली अक्रेंस नहीं बल्कि दूसरी एकरेंस का जो लोकेशन थी वो विच इज ट्वेंटी वो तलाश करके हमें रिटर्न की राइट इसी प्रोसीजर को आप थोड़ा सा अगर uh, यूं करना चाहें ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है इट इज़ अप टू यू दिस इज़ अ वेरी सिंपल इंटिटव डिज़ाइन ऑफ दिस आप एक स्टेटमेंट बचा भी सकते हैं आप यूं लिख सकते हैं यहाँ सेकेंड में इसको स्टोर करने की बजाय डायरेक्टली इसे रिटर्न कर दें इवन दैट इट इवन दैन इट विल वर्क फाइन राइट इफ़ यू फॉर एग्जाम्पल री स्टार्ट डेंटन को दोबारा डिफाइन कीजिए और दोबारा तलाश करें इट अ स्टिल ट्वेंटी फाइव राइट एंड ईवन अगर आपका जी चाहे कि नहीं हमने थोड़ा सा ज़रा इसको मजीद श्रिंक करना है तो ये जो फ़र्स्ट है जो हम तलाश करके यहाँ स्टोर करते हैं तो फर्स्ट की जगह हम यहाँ पर डायरेक्टली ये अगर लिख दें जो फर्स्ट के में हमें रिज़ल्ट के तौर पर जो एक्सप्रेशन हमें फ़र्स्ट को पॉपुलेट करता है इवन दैन इट विल वर्क फाइन राइट एव So it still returns at twenty five, right? Uh, but it it might look a little confusing to you, ka ya baha confusing ho gya hai. So you can still stick to your first idea first ko ya happe is a get this. And isko return it. So this is cool, and even if you don't want to do it here, you can go with the previous one and say that. So it, is, it was just to show that as you uh, uh, develop your programming habits and as you get your expertise polished, uh, you can do uh, some tweaking, you can uh, shrink the expressions, you can expand the expressions, you can have different ways of doing the same things. So it all just works fine. I hope you learned something good about procedures for now.